हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये जो स्टोरी है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये किसकी है? एक थीफ की स्टोरी है, एक चोर की स्टोरी है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है हॉरिस डैनबी। और ये जो हॉरिस डैनबी है ना, ये चोरी करने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। और ये एक ऐसे घर में जाता है जहाँ पे उसको खुद क्या मिल जाता है? एक चोर मिल जाता है। और वो उससे क्या करवा देता है? चोरी करवा देता है, और उसे ये पता भी नहीं चलता। तो चलिए देखते हैं ये जो स्टोरी है वो क्या है। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीव टू कैच अ थीव, बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ अ ऑनर अमंग थीव्स विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए ना किसी चोर को ही लगाना चाहिए, तभी क्या हो सकता है? तभी चोर पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोर ना आपस में एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। तो हम इस स्टोरी में देखेंगे कि वो क्या सम्मान करते कि एक चोर जब दूसरे चोर से मिलता है। तो देखिए स्टोरी। एवरीवन थॉट दैट हॉरिस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ही वाज अबाउट 50 इयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। इन फैक्ट He was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. तो ना ये सभी लोग जानते थे कि जो हॉरिस डैनबी है वो एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। और वो कितने साल का था? वो 50 वर्ष का था, बट अनमैरिड था, यानी उसकी शादी नहीं हुई थी। और वो एक चौकीदार के साथ रहता था, जो चौकीदार ना उसके स्वास्थ्य की क्या करता था? चिंता करता था। कौन? चौकीदार किसके साथ रहता था? हॉरिस डैनबी के साथ। बस वो हमेशा खुश रहता था। बस उसका सिर्फ यही था कि एवरी समर, यानी जब भी समर आती थी उसको क्या हो जाता था? गर्मियों में बुखार हो जाता था। अब क्या होता है? ही मेड लॉक्स वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। यस, हॉरिस डैनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो जो हॉरिस डैनबी था ना, वो क्या करता था? वो ताला बनाया करता था, और तथा अपने इस काम में वो बहुत ज़्यादा क्या था? सफल भी था। और उसने दो नौकर भी रखे हुए थे। हाँ, हॉरिस डैनबी एक अच्छा और सम्मानित नागरिक था, परंतु वो क्या पूर्णतः ईमानदार नहीं था। यानी वो पूरी तरीके से क्या नहीं था? ईमानदार नहीं था। क्यों आगे बताती कि क्यों नहीं था। 15 years ago, Horace has served his first and only sentence in a prison library. He loved rare expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. तो जो हॉरिस डैनबी था ना, वो कम से कम 15 वर्ष पहले, क्या 15 ईयर्स पहले, एक जेल की लाइब्रेरी में अपनी इकलौती सजा काट चुका है। कौन? हॉरिस डैनबी। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है? पूरी तरीके से ऑनेस्ट पर्सन नहीं कहा गया है। किसको? हॉरिस डैनबी को। बट हॉरिस डैनबी की एक आदत थी कि उसको ना चोरी करने का बहुत मन करता था। और वो चोरी क्या करता था? उसको चोरी करने या जो भी वो पैसे चोरी करता था उसकी वो क्या लेकर आता था? पुस्तकें, यानी बुक्स लेकर आता था। उसको बुक्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा क्या था? पसंद था। किसको? हॉरिस डैनबी को। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल श्योर दैट हिज इयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल एज ऑल दी अदर। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एंड शूट ओवर ग्रेंज, लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। तो जो हॉरिस डैनबी था ना, तो जुलाई का मंथ आ रखा था, चमकती हुई धूप थी, और वो 2 हफ्ते से निगरानी कर रहा था। कहाँ पर? शूटओवर ग्रेंज पे। जो शूटओवर ग्रेंज में एक मकान था उसका वो क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था कि उस घर में कितने कमरे हैं, उसकी बिजली की तार कहाँ कहाँ जा रखी है, उसके रास्ते कैसे हैं, उसके बगीचे कैसे हैं, ये सब चीज़ वो क्या कर रहा था? ऑब्जर्व कर रहा था। कितने वीक से? 2 हफ्ते से। कौन? हॉरिस डैनबी। क्यों? क्योंकि उसको वहां क्या करनी थी? चोरी करनी थी। अब आगे क्या होता है?
This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London and gone to the movie. Horace saw them go and he felt happy in spite of the little tickle of a hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. तो जो हॉरेस डैनबी था वो 2 वीक से क्या कर रहा था, उस मकान में निगरानी कर रहा था कि वो कब कितने कमरे हैं, कितनी बिजली की तारें हैं, कहाँ कहाँ रास्ता जाता है, बगीचा कैसा कैसा है। तो वहाँ पे ना 2 नौकर काम करते थे उस किस मकान में, शुटोवर ग्रेंज में। और वो जो 2 नौकर काम करते थे उनके जो मालिक थे, वो मालिक कहाँ रहते थे, लंदन रहते थे। तो वो खाली कौन थे वहाँ पे, 2 नौकर ही थे। तो उस दिन ना वो दोनों नौकर क्या करने जा रहे थे, सिनेमा यानी मूवी देखने के लिए जा रहे थे। और जब वो मूवी देखने के लिए जा रहे थे तो हॉरेंस डैनबी ने क्या सोचा, हॉरेंस डैनबी ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि वो क्या कर सकेगा, चोरी कर सकेगा। अब जब हॉरेस डैनबी उनको जाते हुए देखता है तो वो छुपा हुआ होता है, कौन, हॉरेस डैनबी। तो एकदम से उसकी ना नाक में ना छींक भी आने वाली होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बगीचा था और बगीचे में जो फूल थे उसकी खुशबू से उसको क्या आने वाली थी, छींक भी आने वाली थी। जब उसने देखा कि वो दोनों नौकर जा रहे हैं तो उसने क्या किया, उसके पास एक औजारों का थैला था, किसके पास, हॉरेस डैनबी के पास। तो उसने उसको सावधानी से अपने पीठ पर रख दिया, क्यों, उस घर में जाने के लिए। अब आगे क्या होता है, देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ अ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो हॉरेस डैनबी ये सोच रहा होता है कि जो ये शुटोवर ग्रेंज नाम का जो मकान है वहाँ पर ना तकरीबन 15,000 pounds, 15,000 नहीं 15,000 pounds के कीमती क्या मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी। फिर वो सोच रहा था कि वो इन ज्वेलरी को जब बेचेगा चोरी करके तो उसको कम से कम कितने रुपए मिल जाएंगे, 5,000 rupees तो मिल ही जाएंगे। और ये 5,000 उसको क्या करेंगे, खुश करेंगे, ठीक है। आगे क्या होता है, देयर वर 3 very interesting books कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम। और वो ये भी सोच रहा था कि जो 5,000 मुझे मिलेंगे तो जब पतझड़ का मौसम आएगा यानी ऑटम का मौसम आएगा तो 3 ऐसी बुक आ रही है जो बहुत ही रुचिकर है, रुचिकर मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स है, मैं उस बुक्स को खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि हॉरेस डैनबी को बुक्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। किसको, हॉरेस डैनबी को, जो क्या करने गया था, शुटोवर रेंज में चोरी करने गया था। अब क्या होता है, He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside. He put on a pair of gloves, took the key, then opened the door. He was always careful not to leave any finger प्रिंट्स। अब क्या होता है, जो वो 2 हफ्ते से निगरानी कर रहा था शुटोवर ग्रेंज की, तो उसे पता था कि जो वहाँ के नौकर है जब वो घर से बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, किचन के पास जो दरवाज़ा है वहाँ पर कुंडी पे वो क्या कर देते हैं, वो चाबी टांग देते हैं। तो उसने वो चाबी ली, किसने, हॉरेंस डैनबी ने, और अपने पेयर ऑफ ग्लव्स पहने, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जब वो चोरी करे तो उसके फिंगरप्रिंट वहाँ मौजूद हो। तो उसने वहां से चाबी उठाई और ग्लव्स पहन लिए। अब क्या होता है, अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, इट स्टर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड, ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। तो तभी ना वहां पे एक डॉग आ जाता है और उस डॉग का नाम क्या होता है, शेरी होता है। तो वो जैसे ही आता है वो क्या करता है, हॉरेस डैनबी उसको उसके नाम से पुकारता और बोलता है कि सब ठीक है शेरी, चुपचाप हो जाओ, गुर्राओ मत मुझे देखकर। तो जब ये हॉरेस डैनबी भी बोलता है तो वो जो डॉग होता है वो एकदम से क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है, क्योंकि कभी भी हम किसी अनजान डॉग से मिलते हैं और उस अनजान डॉग का हम नाम ले तो वो क्या हो जाता है, वो हमें प्यार दर्शाने लग जाता है, कौन वो डॉग, क्यों, क्योंकि उसको उसको लगता है कि अरे इस सामने वाले को तो क्या पता है, मेरा नाम पता है, यानी वो मुझे जानता है। तो इसीलिए जो वो डॉग था शेरी वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अब क्या होता है, द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग। हॉरेस वॉन्टेड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स, बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स
वर बेटर। अब क्या होता है, वो उस घर में तिजोरी देख रहा होता है। जो तिजोरी थी वो कहाँ थी, लिविंग रूम में थी, और एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे थी। क्या तिजोरी! तो एक पल के लिए वो आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि किताबों की जगह कहीं वो ऐसे करे कि वो क्या बोलते हैं, पेंटिंग ही इकट्ठी करने लग जाए। कौन सोचता है? हॉरेस डैन भी सोचता है। फिर वो ये सोचता है कि नहीं, अगर मैं पेंटिंग इकट्ठा करूँगा, कलेक्ट करूँगा, तो मेरा घर तो छोटा सा है, उसमें जगह तो है नहीं, इसीलिए रहने दो, मुझे बुक्स कलेक्ट करने का शौक़ है, तो मैं बुक्स ही खरीदूँगा। यानी यहाँ शुटोवर ग्रेन से पैसे चोरी करूँगा और क्या खरीदूँगा, बुक्स खरीदूँगा। अब क्या होता है, देर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ अ फ्लास ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। द बर्गलर आर्म्स वॉज poorly built. He went into the hall to his cut wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. अब क्या होता है, वहाँ पर ना एक डाइनिंग टेबल पे एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था, तो उसमें जो फूल थे, तो हॉरेस डैनबी की नाक में क्या हो रही थी, नोज में टिकल हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसको फूलों की खुशबू आ रही थी, उसको खुजली हो रही थी। कहाँ पे? नाक पे। तो वो हल्का सा छींकता है और अपना जो उसके पास जो औजारों का जो थैला होता है, जो बैग होता है, उसको सावधानी पूर्वक नीचे रख देता है। क्यों? क्योंकि उसको वो सामान निकालना होता है, किस चीज़ के लिए, चोरी करने के लिए। और उसको ये भी पता है कि वो जो दो नौकर जा रखे हैं बाहर, वो 4 घंटे में वापस आ जाएंगे, तो इसीलिए उसके पास चोरी करने का कितना समय है, सिर्फ 4 hours। यानी वो 4 घंटे में क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। और उसको ये भी पता है कि तिजोरी आसानी से खुल नहीं सकती है, क्योंकि उसमें लॉक सिस्टम होगा, तो इसीलिए वो ये भी सोच रहा होता है कि उसको फटाफट 4 घंटे में क्या करना है, उस लॉक को काटना है और चोरी करना है। तो वो देखता है कि जो तिजोरी होती है, जो तिजोरी का जो अलार्म होता है, वो बहुत ही घटिया किस्म का होता है, और वहाँ पे जो तार होती है, वो उसको तार काटने के लिए एक बड़े कमरे में चला जाता है। कौन? हॉरेस डैनबी। वो वापस लौटता है, फिर एकदम से वो फिर से छींकता है। क्यों? क्योंकि फूलों की खुशबू आती है और उसकी नाक में क्या करती है, टिकल करती है। अब क्या होता है, हाउ फुलिश पीपल आर वैन दे ओन वैल्यूबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ द रूम। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, बट द हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। देन ही हियर अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। तो ना हॉरेस डैनबी ये सोच रहा होता है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये कितने मूर्ख होते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये लोग क्या करते हैं, अपने घर को ना मैगजीन में दिखा देते हैं कि देखो ये उसका कमरा है, फर्स्ट पहले हम क्या बोलते हैं, एंटर करेंगे तो राइट से करेंगे, फिर इधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे। तो मतलब क्या बता रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि मैगजीन में ये आर्टिकल छपवा देते हैं कि हमारा घर कितना अच्छा है, और लोगों को इससे क्या हो जाता है, चोरी करने का मौका मिल जाता है। किन लोगों को? जो चोरी करते हैं। तो ये सब हॉरेस डैनबी क्या कर रहा होता है, सोच रहा होता है। तो फिर वहाँ पे जो फूलों का जो गुलदस्ता होता है, वो उसके कार्य में रुकावट दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशबू से उसकी नोज़ में क्या हो रही होती है, टिकल हो रही होती है, खुजली हो रही होती है। फिर वो अपना चेहरा रुमाल से ढक लेता है कि कहीं उसको बार बार छींक आए तो कहीं लोग ना जाए, तो वो क्या करता है, हैंडकरचीफ से अपना फेस ढक लेता है। जब वो अपना फेस ढक लेता है, तभी वो क्या सुनता है कि दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ है, क्या है ये, जुखाम है या छींक आने की बीमारी है? कहाँ से आती है ये बात? दरवाजे के बाहर से आती है कि क्या है ये, जुखाम है या छींक आने की बीमारी है, मतलब हे फीवर है या कुछ और है, अ कोल्ड और हे फीवर है। अब क्या होता है, आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। Before he could think, Horace said hay fever and found himself sneezing again. The voice went on, you can cure, it was a special treatment, you know, if you find out just what a plant gives you the disease. I think you had better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. तो तभी एक और आवाज़ आती है, वो बोल मतलब किसकी आवाज़ आती है, हॉरेस की आवाज़ आती है। वो थोड़े धीरे से बोलता है कि hay fever है ये, मुझे मतलब ये छींक आने की बीमारी है।
कौन बोलता है? हॉरिस डैन भी बोलता है, उसके मुंह से निकल जाता है। हालांकि उसे बोलना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वो तो चोरी कर रहा होता है। तो जब वो ये बोलता है, फिर जो दरवाजे से बाहर आवाज़ आ रही होती है, वो बोलती है कि तुम्हें क्या कराना चाहिए, तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी बीमारी है वो क्या है, एक प्लांट की खुशबू से तुम्हारी नोज़ में टिकल हो रही है और तुम्हें क्या हो रही है, छींक आ रही है। तो तुम्हें किसको दिखाना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये कहाँ से आवाज़ आती है? दरवाजे के पीछे से। अब क्या होता है? It was a quite kindly voice, but one with a firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. She was a young, quite pretty and was dressed in a red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. तो वो तभी देखता है कि एक क्या होती है, एक लड़की आती है, काफ़ी शान सी होती है, उसकी जो आवाज़ होती है उस आवाज़ बहुत दयालु वाली होती है। वो देखता है और वो जो महिला होती है वो खड़ी होती है कहाँ पे, फायरप्लेस की जगह पे। फिर जो शेरी होता है, जो वो कुत्ता होता है, वो उसको रगड़ रहा होता है, किसको? उस महिला को। और वो उसको पुचकारती है, शेरी शेरी। और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसने जो कपड़े पहन रखे होते हैं वो रेड कलर के पहन रखे होते हैं, और उसने जो ऑर्नामेंट पहने थे यानी जो ज्वेलरी पहनी थी वो उनको सीधा कर रही होती है। कौन? वो महिला जो कि आती है रूम में। अब क्या होता है? डाउन शेरी सी शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैव बीन अवे फॉर द मंथ। शी स्माइल्ड एट हॉरिस एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन अ टाइम दो आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट अ बर्गलर। तो वो जो महिला होती है वो बोलती है, शेरी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो फिर ये बोलती है शेरी शांत हो जाओ के बाद, फिर उसको बोलती है हॉरिस डैनबी को कि मैं पिछले महीने ना यहाँ से बाहर चली गई थी, और थोड़ा हंस हंस के बोलती है, मुस्कुरा के बोलती है वो हॉरिस डैनबी को कि मैं पिछले मंथ क्या हो गई थी, यहाँ से बाहर चली गई थी, परंतु मैं इस टाइम बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे तो मेरी मुलाकात किससे होगी, मेरी मुलाकात एक चोर से होगी। कौन बोलती है? वो औरत बोलती है, वो महिला बोलती है। अब क्या? हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी एन अम्यूज एट अ मीटिंग हिम, ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर वे द राइट वे। ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। शी नॉटेड, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मेट यू, वॉट आर यू गोइंग टू डू? हॉरिस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, ऑफ कोर्स यू शुड टू डू, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम टू अबाउट यू, दे गेट यू एट वंस। तो वो जो महिला होती है वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि मैं पिछले महीने यहाँ से जा चुकी थी अपने घर से, और तुम मुझे यहाँ मिल गए, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक चोर मिलेगा। हालांकि मैं क्या सोच रही थी कि मेरे तो फैमिली मेम्बर मुझसे मिलने चाहिए, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हॉरिस कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे तो भाग जाना चाहिए यहाँ से। कौन बोलता है? हॉरिस। क्यों? क्योंकि वो तो चोरी करने के लिए आया है। तो फिर एकदम से उसकी बात काट के वो महिला बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो मैं किसको बुलाने वाली हूँ? पुलिस को बुलाने वाली हूँ, और बताने वाली हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे घर में क्या कर रहे हो, चोरी करने वाले हो। आगे क्या होता है? हॉरिस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, ही हेजिटेट, अ स्माइल ऑन हिज फेस, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। तो हॉरिस बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बट मैंने टेलीफोन के जो तार थी, वायर थी, उसको काट दिया है। थोड़ा हिचकिचा कर बोलता है और चेहरे पर उसकी मुस्कान होती है, और बोलता है फिर मेरे पास कुछ ही घंटे थे, और कुछ घंटे मेरे लिए काफ़ी थे। किस चीज़ के लिए? चोरी करने के लिए। कौन बोलता है? हॉरिस डैनबी बोलता है। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू डिड हर्ट मी। तो वो ना थोड़ी सीरियसली यानी गंभीर होके बोलती है कि क्या तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे? हॉरिस पाउज्ड एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। तो थोड़ी देर ना चुप रहने के बाद ना हॉरिस कहता है, मैं समझता हूँ कि मैं आपको ना डराने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्या होता है? हॉरिस पाउज एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, देन आई सेड यू डिड नॉट फ्राइटन मी। हॉरिस सजेस्टेड, It would be nice if you would forget you ever saw me, let me go. The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only the rob someone else. Society must be protect from men like to you. तो हॉरिस उसको बोलता है कि अच्छा होगा आप ये सब कुछ भूल जाओ, कि मतलब कि आपके घर में कोई आ रखा है चोरी करने के लिए, और मुझे यहाँ से क्या करो, मुझे यहाँ से जाने दो। कौन बोलता है? हॉरिस डैनबी उस महिला को बोलती है।
और जब वो बोलती है तो आवाज़ क्या हो जाता है उसकी, कठोर हो जाती है। तो बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, तुम यहाँ पे मुझे लूटने के लिए आया हो, मेरे घर में चोरी करने के लिए आया हो, और अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने को कहूँगी तो तुम तो किसी दूसरे घर को लूट लोगे, और ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कौन बोलती है? वो वुमेन बोलती है। अब क्या होता है? Horace smiled, I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of a prison. अब क्या होता है, जो वो हॉरिस है ना, हॉरिस बोलता है, थोड़ा मुस्कुरा के बोलता है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि सोसाइटी मुझे देख के डर जाए। मैं चोरी करता हूँ मगर मैं उस घर में चोरी करता हूँ जहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा धन होता है, मैं वहाँ चोरी करता हूँ, और मुझे जेल जाने के विचार से भी घृणा है, इसलिए मैं जेल तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no rights to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean this. तो ना वो एकदम से हंसने लग जाती है ये बात सुन के, जब हॉरिस उसको बोल रहा होता है कि मैं चोरी करता हूँ, बट वो मैं कहाँ करता हूँ, जहाँ पे ज़्यादा धन हो मैं वहाँ चोरी करता हूँ, और मैं जो चोरी करता हूँ वो किसी अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ, और मुझे जेल के विचार से भी घृणा आती है। तो ये सब सुनकर वो लड़की क्या होती है, वो हंसने लग जाती है। फिर क्या होती है, जब वो हंसने लग जाती है तो जो हॉरिस ज़ेनबी है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, वो आपसे मैं कुछ भी नहीं मांगता, मैं आपको कोई थ्रेटन नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से क्या करो जाने दो, और मैं वादा करता हूँ कि इस प्रकार का काम मैं फिर कभी नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये कौन बोलता है? हॉरिस ज़ेनबी बोलता है। अब क्या होता है, अब होता है, शी वॉज अ साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, देन ही सेड, यू आर अ रियली अफेयर्ड ऑफ गोइंग ऑफ प्रिजन आंट यू? शी केम over to him shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and saying that she might help him, took off his gloves and gave her to a cigarette lighter. तो जो वो महिला होती है वो बोलती है कि, वो हंसती है और वो बोलती है कि जब भी मैं किसी लोग से मिलती हूँ तो मुझे वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो गलत होते। गलत का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हॉरिस ज़ेनबी चोरी करने के लिए आया और बट वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो बोलता है कि, वो बोलती है ठीक है, फिर वो क्या करती है, उसके पास एक सिल्वर कलर का बॉक्स होता है, उस सिल्वर कलर के बॉक्स को वो क्या करती है, चांदी का जो डिब्बा होता है उसको वो उठाती है, उसमें से एक सिगरेट निकालती है और उसको पीती है। तो जब वो उसको पीने के लिए अपने मुंह पे रखती है तो तभी हॉरिस ज़ेनबी फटाफट क्या करता है, अपने दस्ताने, अपने ग्लव्स को निकाल देता है और उसके सामने लाइटर पर उसे दे देता है। अब क्या होता है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। You will let me go, he held the lighter towards her. Yes, but only if you will do something for me. Anything you say, before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to be a party tonight. So I came down to get them. Horace smiled, you have forgotten the number to open the safe, haven't you? Yes, replied the young lady, just leave it to me and you will have them within an hour, but I have to break your safe. Don't worry about that, my husband won't be here for a month and I will have to a safe mended by that time. तो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूँगी और तुम्हें जाने दूंगी, बट तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि क्या काम करना है? तो वो बोलती है कि मैं ना लंदन जाने से पहले ना मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मेरे जितने भी तिजोरी में जितने भी ज्वेलरी है मैं उस ज्वेलरी को बैंक में रख दूंगी, बट मैं वो रखना क्या हो गई, भूल गई, और आज मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है और मुझे पार्टी में वो ज्वेलरी पहन के जाना है। तो हॉरिस ने ये देखकर मुस्कुराता है और वो कहता है कि इसीलिए तुम क्या करो, इस तिजोरी को तोड़ दो। तो हॉरिस बोलता है कि क्या आपको अपने तिजोरी का नंबर याद नहीं है, ऐसा क्यों है? तो वो बोलती है हाँ, वो महिला बोलती है हाँ ये तो आप बात सही बोल रहे हो। तो वो कहता है कि ठीक है, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं एक घंटे के अंदर आपको आपकी सारी ज्वेलरी मिल जाएगी, क्योंकि मैं इस तिजोरी का ताला तोड़ दूंगा। कौन बोलता है? हॉरिस ज़ेनबी बोलता है। एंड विद इन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, गिव हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। फॉर टू डेज ही कैप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, हाउएवर, ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वॉन्टेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी फॉर अ शूटओवर ग्रेंज।
अब क्या होता है, 1 घंटे के अंदर वो क्या करता है, हॉरिस डैन भी क्या करता है, तिजोरी तोड़ देता है और उसमें जितने भी ज्वेलरी होती है वो उस औरत को दे देता है और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कौन? हॉरिस डैन भी। अब क्या हुआ, 2 दिन बीत चुके थे। 2 दिन बीतने के बाद उसे ना उसी दयालु महिला की, उस दयालु की याद आ रही थी। कौन दयालु? जो उसके सामने वो रेड रंग के कपड़े में खड़ी थी कि उसने अपना वादा निभाया कि वो चोरी नहीं कर रहा है। कौन? हॉरिस डैन भी। फिर क्या होता है, अब तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन क्या होता है, सुबह सुबह का दिन होता है और वो सोचता है कि वो अपनी पसंद की पुस्तकों को, उसको ना उसकी याद आती है कि क्यों ना मैं अपनी पसंद की पुस्तक फिर से कलेक्ट करूं और मैं अब क्या करूंगा, मैं दूसरी तिजोरी ढूंढूंगा और दूसरी तिजोरी को तोड़ूंगा, उसमें से जितने पैसे मिलेंगे और मैं क्या खरीदूंगा अपने लिए, बुक्स खरीदूंगा, मुझे बुक्स लेना है। और तभी क्या होता है, ये सब बातें वो सुबह को सोच रहा होता है और तभी दोपहर को क्या होता है, दोपहर को पुलिस आ जाती है और उसको चोरी के आरोप में पकड़ लेती है। किस चोरी के आरोप में? कि तुमने शुटोवर ग्रेंज नामक जगह पर, उस जगह पर क्या करी है, चोरी करी है। अब क्या होता है, His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all the over the room, and no one believed him when he said his wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said the story was nonsense. तो जो हॉरिस डैन भी है, हॉरिस डैन भी बोलता है कि नहीं नहीं मैंने तो यहाँ चोरी नहीं की, यहाँ की जो मालकिन थी उसने मुझे बोला था कि इस तिजोरी का ताला तोड़ दो। तो लोगों, किसी भी लोगों को विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ की जो मालकिन होती है वो एक 60 साल की बूढ़ी होती है जिसके ग्रे कलर के हेयर होती है, शार्प टंग्ड होती है। तो वो भी बोलती है कि क्या नॉनसेंस है, मैंने तो इसे तिजोरी तोड़ने के लिए नहीं बोला। और हॉरिस डैन भी सोचता है कि अरे वो तो बहुत ज़्यादा यंग थी जिसने तोड़ने के लिए बोला था। और वहाँ पे उसके खिलाफ सबूत भी मिले। सबूत क्या मिले? कि उसके सारे फिंगरप्रिंट्स उस तिजोरी में और उस रूम में थे। क्यों? क्योंकि जो हॉरिस डैन भी था, हॉरिस डैन भी ने अपने ग्लव्स निकाल दिए थे जब वो उस महिला को क्या दे रहा था, सिगरेट के लिए लाइटर दे रहा था। तो ऐसे उसके खिलाफ सारे सबूत मिल गए। तो अब एक दिन वो जेल के अंदर होता है और जेल में कहाँ होता है, वो लाइब्रेरी में होता है, असिस्टेंट लाइब्रेरी में काम कर रहा होता है। तो वो सोच रहा होता है कि वो जो वो युवती थी, वो जो वो महिला थी, वो कितनी चतुर थी, कितनी चालाक थी, उसने कैसे मुझे चकमा दिया कि मैं क्या हूँ, मैं यहाँ की मालकिन हूँ और मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने ज्वेलरी चाहिए एक पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि जब मैं ज्वेलरी में पहन लूँगी उसके बाद, जब तक मेरे हस्बैंड 1 महीने बाद आएंगे तब तक तो मैं इस तिजोरी को फिर से सही कर दूंगी, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। उस वो सोचता है कि उसने उसको धोखा दिया। और धोखा भी क्या, वो भी चोर थी और मैं भी चोर थी, दोनों ने ही एक दूसरे को, चोरों ने एक दूसरे को क्या दिया, धोखा दिया। तो यानी चोरों के मध्य वफादारी की बात तो बहुत ही खराब थी। अगर कोई करता था तो वो उससे क्या हो जाता था, नाराज हो जाता था। कौन हो जाता था? हैरिस डैन भी हो जाता था। तो ये था चैप्टर। कौन सा चैप्टर? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू।